सो वेलकम बैक टू मेडिको स्टैक। मैं हूँ शैलेश यादव और आज के एक नए फ्रेश वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हॉडियोलम। सो हॉडियोलम क्या है? एक आईलिड की डिजीज है। इसको दो पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं न्यू वीडियो ऑन द मॉडर्न टॉपिक हॉडियोलम। सो हॉडियोलम होता क्या है? जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईलिड डिसऑर्डर। आईलिड का एक डिसऑर्डर है, यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड होता है। और यहाँ पे जो मेन ऑर्गेनिज्म होता है इस डिजीज की पीछे, तो उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकल ऑर्गेनिज्म होता है। सो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इस स्ट्रेप्टोकोकल, जिसको हम बोलते हैं स्टेफोरियस। ठीक है, अभी जो हॉडियोलम है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। एक तो होता है हमारा एक्सटर्नल और दूसरा होता है हमारा इंटरनल। सो ये हो गया हमारा एक्सटर्नम और ये हो गया हमारा इंटरनम। सो एक्सटर्नम को एक और नाम से बोला जाता है, जिसको बोलते हैं हम स्टाई। So also called sty। ठीक है, अभी sty इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, inflammation of sebaceous gland of the eyelid, वो भी anteriorly। eyelid हमारा जो है anterior part में, external part है हम लोग देख रहे हैं, तो external में आता है हमारा eyelid, तो वहाँ पे क्या होता है, sebaceous gland का inflammation होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे इन्फ्लेमेशन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड ऑफ आईलिड, और यही होता कहां पे, एंटीरियर पार्ट में होता है, एंटीरियरली। ठीक है, अभी इसका हम इटियोलॉजी देखेंगे। सो इटियोलॉजी में मैंने कुछ पॉइंट्स नोट आउट किए हैं, वो आप देख लीजिए। सो वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन फर्स्ट पॉइंट, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जो कि आपको पता ही है स्टेफोरियस की वजह से होता है। इसके बाद एक्सेसिव यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक्स, तो ज़्यादा कॉस्मेटिक्स यूज़ करने की वजह से भी एक्सटर्नल हॉडियोलम हो सकता है। उसके बाद पुअर न्यूट्रिशन सप्लाई, पुअर न्यूट्रिशन सप्लाई की वजह से भी अगर हमारे आई को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसकी वजह से भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्लीप डेप्रिवेशन, प्रॉपर नींद नहीं लेना, लैक ऑफ हाइजीन, लैक ऑफ वाटर, अगर हमारे आँखों में पानी की कमी है तो इसकी वजह से भी हो सकता है, और कंटिन्यूस रबिंग ऑफ आई। सो लास्ट पॉइंट है हमारा कंटिन्यूस रबिंग ऑफ आई। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनके वजह से एक्सटर्नल हॉडियोलम हो सकता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसका साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। सो साइंस एंड सिम्टम्स को मैंने कुछ सिंप्लीफाई करके बनाया है, सो आप लोग एक बार देख लीजिए। सो ए बी सी डी का मतलब है, अगर इन्फेक्शन है तो वहाँ पे एब्सेस फॉर्मेशन तो होगा ही, तो इससे हो गया एब्सेस फॉर्मेशन हमको दिखेगा। फिर बी से दो चीज़ें आते हैं, एक है बर्निंग और दूसरा है ब्लड विजन, आंखों में जलन होगा और साथ ही साथ धुंधलापन दिखेगा हमको, ब्लड विजन। सी से हो जाएगा हमारा क्रस्टी आईलिड को आप यहाँ पे साइड में फोटो देख सकते हैं, ऐसा कुछ हमको दिखता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमको डी से दिखेगा ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, आईलिड। सो ये कुछ हो गया हमारा पॉइंट्स। इसके बाद और भी है वो देखते हैं। सो अब है L4, मतलब चार L आएंगे, तो कौन कौन से हैं वो देखते हैं अब। तो फर्स्ट है हमारा लोकलाइज्ड स्वेलिंग ऑफ आईलिड। सो फर्स्ट है हमारा लोकलाइज्ड स्वेलिंग ऑफ आईलिड, नेक्स्ट है लोकलाइज्ड पेन,
लंप फॉर्मेशन होता है, लंप ऑफ आई आईलिड, और लास्ट है एल तो है लाइट सेंसिटिविटी, लाइट सेंसिटिविटी। सो ये हो गया हमारा एल रेस टू फोर, मतलब चार एल। इसके बाद हम देखेंगे कुछ और पॉइंट्स, आर एस टी टी, आर का फुल फॉर्म होगा रेडनेस, फिर एस से होगा सेंसेशन ऑफ फॉरेन बॉडी, दो टी आएंगे तो एक होएगा हमारा टियरिंग और एक हो जाएगा हमारा टेंडरनेस। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे इटियोलॉजी में मैंने पहले लिखा है लैक ऑफ वाटर, तो लैक ऑफ वाटर है फिर भी टियरिंग हो सकता है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लैक ऑफ टियरिंग ही दिखे या फिर लैक ऑफ वाटर है तो टियरिंग हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। तो काफ़ी बार लैक ऑफ वाटर नहीं रहता फिर भी ये हमको दिखता है, ये डिजीज ऑकर होता है। सो ये हो गया हमारा कुछ साइंस एंड सिम्टम। इसके बाद हम देखेंगे इंटरनल हॉडियोलम। सो इंटरनल हॉडियोलम पे आ गए हम, तो इंटरनल हॉडियोलम होता क्या है इसको हम देखते हैं। तो ये होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ मेबोमियल ग्लैंड। इन्फ्लेमेशन ऑफ मेबोमियल ग्लैंड। सो ये मेबोमियल ग्लैंड हमको पता ही है कहाँ पर रहता है, पोस्टीरियर पार्ट में रहता है, तो ये हो जाएगा पोस्टीरियरली। ठीक है, अब यहाँ पे हमको दो स्टेजेस दिखते हैं, तो दो स्टेजेस कौन से हैं, तो फर्स्ट स्टेज आएगा हमको स्टेज ऑफ सेल्यूलाइटिस, स्टेज ऑफ सेल्यूलाइटिस, एंड सेकेंड स्टेज ऑफ एब्सेस फॉर्मेशन। एब्सेस फॉर्मेशन ये दो स्टेज हमको यहाँ पे दिखते हैं। सो इसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस अराइज होते हैं। सो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन हमको यहाँ पे दिखेगा कैल्सिफिकेशन, नेक्स्ट पॉइंट दिखेगा हमको स्टोन फॉर्मेशन, और मैलिग्नेंसी कंडीशन भी हो जाता है। सो ये कुछ तीन हमको यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस दिखते हैं। सो इसके बाद हम देखेंगे ट्रीटमेंट क्या किया जाता है। सो ट्रीटमेंट हम देखते हैं, तो ट्रीटमेंट यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट में देखते हैं, मेडिसिन देख के हम कैसे क्योर कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे देंगे एनाल्जेसिस, एनाल्जेसिस में हम क्या देंगे, एसिटामिनोफेन और साथ ही साथ देंगे एरिथ्रोमाइसिन, ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट आई ड्रॉप के लिए देंगे, एज आई ड्रॉप देंगे हम, और सम एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स कौन कौन सा हमको यहाँ पे देना चाहिए, एमोक्सिसिलिन, एमोक्सिसिलिन के साथ साथ क्लोरामफेनिकॉल देना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग साथ साथ में क्या कर सकते हैं, वार्म कंप्रेशन दे सकते हैं 5 to 10 to 15 minutes के लिए, अराउंड 4 times per day।
तो वार्म कंप्रेशन देना चाहिए हमको, टेन टू फिफ्टीन मिनट्स के लिए अराउंड फोर टाइम्स पर डे हमको देना चाहिए। इसके साथ साथ अगर ये मेडिसिन से ट्रीट नहीं हो पा रहा है तो हम यहाँ पे सर्जिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो सर्जिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सिंपली इंसिजन एंड ड्रेनेज करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इंसिजन एंड ड्रेनेज। सो बस ये हो गया हमारा पूरा हॉडियोलम। सो गाइस, मुझे आई होप आप लोग को ये टॉपिक हॉडियोलम समझा रहेगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको मुझे बताना है। तो क्वेश्चन ये है कि एक्सटर्नल हॉडियोलम में कौन कौन से स्टेजेस हमको दिखते हैं। सो आप लोग को अगर ये आंसर पता है तो कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए फ्रेश टॉपिक के साथ। सो ट्रिकियासिस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।